जय जगन्नाथ। हेलो बच्चा पट्टी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SRT फिजिक्स। इस वीडियो में हम नीट 2024 का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। द क्वेश्चन इज ए पार्टिकल मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन ए सर्कुलर पाथ मेंटेन्स। योर फर्स्ट ऑप्शन इज कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, सेकेंड ऑप्शन इज कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन, थर्ड ऑप्शन इज कॉन्स्टेंट वेलोसिटी बट वेरिंग एक्सीलरेशन, फोर्थ ऑप्शन इज वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सीलरेशन। तो क्वेश्चन ने क्या बोला, एक पार्टिकल अगर मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से इन सर्कुलर पाथ तो क्या होगा। तो मैं एक सर्कुलर पाथ ड्रॉ कर देता हूँ, ये हो गया सर्कुलर पाथ। सपोज पार्टिकल यहाँ है, इसका मास है m। तो जब भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करेगा तो उसमें दो तरह का एक्सीलरेशन लगेगा। एक एक्सीलरेशन लगेगा टुवर्ड सेंटर, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, एंड अनदर एक एक्सीलरेशन लगेगा टुवर्ड्स द टेंजेंट, दिस इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल किधर होगा, इधर। अगर पार्टिकल यहाँ होगा तो ये लगेगा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, इधर लगेगा वेलोसिटी, एंड इधर भी लगेगा क्या, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। जब भी पार्टिकल यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, स्पीड मतलब उसका मैग्नीट्यूड, स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो स्पीड कांस्टेंट रहेगा मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। वेलोसिटी कांस्टेंट, बट इसका जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है चेंज हो जाएगा। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा मतलब एक्सीलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वेलोसिटी और मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, एक्सीलरेटेड मोशन। तो जब भी पार्टिकल यहाँ है तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इधर है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इधर है। जब पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इधर है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन इधर है, मतलब आपका आंसर हो जाएगा वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सीलरेशन। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। फिर से मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक नया क्वेश्चन के साथ। थैंक यू। जय जगन्नाथ।